देखिए मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और क्वेश्चंस आज आपके, देखिए ये जो क्वेश्चंस है आपको सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये आपके क्या क्वेश्चंस है, ये आपके यूजीसी नेट के क्वेश्चंस है हमेशा की तरह, ठीक है। और जितने भी अभी वीडियो बन रहे हैं सारे वीडियो आपके यूजीसी नेट के प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको ढेर सारे वीडियोस, ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि अभी मैं डेली यूजीसी नेट के क्वेश्चंस करवा रही हूँ और इन क्वेश्चंस को सारे प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर रही हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इम्प्लीटेशन ऑफ फॉलोइंग टैक्सेस, ठीक है। तो आपको ये जो टैक्सेस है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, कब कब इम्प्लीमेंट हुआ इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन है लैंड रेवेन्यू, सेल्स टैक्स, मोड वेट और सर्विस टैक्स, ठीक है। ये चार तरह के टैक्स है। देखिए यहाँ पर आपको ये गिवन था और आपको कोड्स गिवन है। देखिए यहाँ पे आपको कोड्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए ये डेट्स मैंने लिख दिया, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये डेट्स यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे और इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आपको आ जाए अरेंज करने वाला, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने वाला, तो आपको बहुत ईजी हो जाए। जैसे कि लैंड रेवेन्यू की बात करते हैं, जो जमीन पे कर लगता था, जमीन पे टैक्स लगता था, जमीन पे लागत लगता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे पुराने, जब ये ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल, कॉलोनियल रूल के टाइम से ही लैंड रेवेन्यू स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस ये कब आया, 1773 में आया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मतलब सबसे पुराना आपका क्या है, लैंड रेवेन्यू, जो जमीन पे जो कर लगता था, भूमि कर लगता था, उस वो सबसे पुराना है, ब्रिटिश रूल से, कॉलोनियल रूल से आया था, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1773 में आया था। सेल्स टैक्स की बात करें, सेल्स टैक्स 1956 में आया, ठीक है। मोड वेट आया 1986 में और सर्विस टैक्स आपको कब आया, 1994 में। तो ये आपको टैक्सेस पता चल गया, सबसे पुराना कौन था, लैंड टैक्स 1773, उसके बाद कौन सा आया, सेल्स टैक्स आया 1956 में, उसके बाद आया मोड वेट 1986 और उसके बाद आया सर्विस टैक्स, ठीक है, 1994 में। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑलरेडी अरेंज है। ये देखिए ये 1 होगा, 2, 3, 4, ठीक है। इसका सही ऑर्डर क्या है, 1, 2, 3, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला, 1, 2, 3, 4, आंसर इज ए, ठीक है, आंसर इज ए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चंस थोड़ी घुमा फिरा के आएंगे, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस, अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चंस, यही सब आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी के जितने भी सेशंस हो रहे हैं उसमें ये इस तरह के जितने क्वेश्चंस हैं उसको मैं जितना भी हो पा रहा है मैं करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट में अगर हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो आपका क्या आएगा, प्राइमरी डेफिसिट आएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल था आंसर, समझ में आ गया, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देंगे तो क्या आएगा, प्राइमरी डेफिसिट आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्रोनोलॉजिकल वाला क्वेश्चन। और ये जो मैंने लास्ट क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन आपका अलग है, मतलब मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पर जो भी मैं 2, 3, 4 जितना भी हो पाए, जो भी क्वेश्चन हो सब एक दूसरे से इतने अलग हो ताकि आप एक क्वेश्चन से दूसरे में जाए तो आपको लगे कि ये क्वेश्चन अलग था। अब आप इस क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन को खत्म करके यहाँ पे खत्म, फिर आप इसके लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा ही आपको प्रैक्टिस करना है कि एक क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकल आ गया, फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, प्रिपेयर होना होगा। और इस चीज के लिए आपको ज्यादा ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हम देखिए गिवन द टू रिग्रेशन लाइन इज
एस्टिमेटेड फ्रॉम गिवन डेटा एज अंडर। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन में मैं ये वाले दोनों मतलब मैं लिखना भूल गई थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन द टू रिग्रेशन लाइंस, ठीक है, एस्टिमेटेड फ्रॉम गिवन डेटा एज अंडर, यहाँ पे वाई और एक्स दो रिग्रेशन लाइन गिवन है, आपको क्या निकालना है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। यहाँ पर हम लोग निकालते हैं आर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था, y x मल्टीप्लाई में बी एक्स वाई। तो आप यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट में 0.4 मल्टीप्लाई 0.9, मतलब कि यहाँ पे अंडर रूट में 0.36 आया। ठीक है, अंडर रूट क्या है, 0.36, अब ये इसका आंसर होगा आपका 0.6। ठीक है, इसका रूट हट जाएगा, ठीक है, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का आपने अगर नहीं पढ़ा है तो स्टैटिस्टिक वाले वीडियो में जाके देखिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये अंडर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी बी एक्स वाई। ठीक है, मैंने उसी फॉर्मूला में 0.4 और 0.9 को मैंने यहाँ पे रखा है और इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अंदर में 0.36 से अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 0.6 आंसर क्या हो गया, 0.6। इसके साथ ही मैं सेशन को एंड करती हूँ। ठीक है, आजकल मैं थोड़ा कम टाइम दे पा रही हूँ, कल मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँ, और अगर आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन किसी भी तरह का है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग तीनों टाइम क्वीज के क्वेश्चंस बताती हूँ रील्स वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, तो आप उसे भी देखा करिए, आपको निश्चिंत ही बेनिफिट्स होंगे।